देखिए यहाँ पे स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। झांसी रेडी है, तो झांसी को 7 बजे स्कूल है और इसको 7:30 बजे है। तो मैंने आज इसके लंच बॉक्स में तैयार किया है मुठिया, तो मुठिया रेडी है। बस झांसी को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं फटाफट से उसका तड़का लगा दूँगी। तू तारो नाश्तो ले ले फटाफट, चल गमे के लेवे ले ले, चल पछी मारा ने आना है ना, पछी स्कूले मुकवा जवानू छे। अरे मारा रास्ता हारा नहीं, कल बारिश हुई थी तो जो रास्ते है ना बहुत ही गंदे हो गए, पानी भर गया है सोसाइटी में, और ये हर साल यही प्रॉब्लम रहती है। तो चलो दिखाती हूँ मुठिया, पीछे माइंड मत करना, अभी कुछ भी काम नहीं किया है। देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने देती हूँ मैं। और है ना आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठी थी, 6:45 बजे उठी थी, 6 बजने में भी 5 मिनट बाकी थी, क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी। रात को लेट से सो गए थे हम। तो झांसी अपना लंच बॉक्स रेडी कर रहे हैं और फिर आकर थोड़े से मुठिया का तड़का लगा दूंगी और फिर दिव्या को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। उसके बाद आकर मैं सारा काम करूंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस सिर्फ चाय नाश्ता किया है। सो थक भरेगी तारो कम्प्लीट। जो हमें गाड़ी आवे जगह जाना, जय माता जी। तो झांसी को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ मैं, देर हो गई है। नवा मोजा कर तर खाना में मोजा और रुमाल दे। हाँ खाना में छे। तो फ्रेंड्स मैं झांसी को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ और क्या हुआ कि सोसाइटी का जो रास्ता है ना, सिर्फ कल सुबह से ही बारिश थी, फिर भी सोसाइटी का रास्ता इतना गंदा हो गया है कि पानी इतना भरा हुआ है, खड्डे भी हैं। मुझे है ना एक्टिवा लेकर जाती हूँ तो डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि खड्डे ही ऐसे हैं, रास्ता भी ऐसा है। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि सोसाइटी से बाहर निकलना ही मुश्किल है, वही काम बहुत मुश्किल है। फिर बाहर निकल जाओ तो रोड पर चले जाओ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सुबह आज मैं जो देर से उठी हूँ ना तो सारा काम लेट हो रहा है, वरना तो 5 बजे उठ जाती हूँ ना तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। तो बस अभी है ना मैं तड़का लगा रही हूँ मुठिये को, तड़का लगाकर दिव्या का जो लंच बॉक्स है वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सुबह लेट उठते हैं तो बहुत ही देर हो जाता है। तो दिव्या को स्कूल जाना है, उसका टाइम भी हो गया है, तो दिव्या को स्कूल छोड़ने के लिए मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे मुठिया का तड़का मैंने लगा दिया है। तो कल मैंने दिव्या को बोला था कि लौकी घर में है तो बोलो क्या बनाओ, थेपले बनाओ, मुठिया बनाओ या सब्जी बनाओ लौकी और चने की दाल की। तो वो बोला कि मुठिया बनाना, ना ही थेपले बनाना और ना ही सब्जी या रोटी बनाना। तो बस उसको कुछ करे मुझे लंच बॉक्स रेडी करना पड़ता है। तो चलो इसको लंच बॉक्स में मैं भर देती हूँ। तो देखिए उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, और बीच रास्ते में से मैं अमूल का दही ले लूँगी तो दही के साथ ही खाएगा। और दिव्या भी रेडी हो गया है, ऐसा करूँ से। तो फ्रेंड्स मैंने दिव्या को स्कूल पर छोड़ दिया है और यहाँ से मैं आम ले रही हूँ। इस बार हमने केसर आम बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, मतलब कि आम तो हमने लिए, केसर आम नहीं लिए। तो मैंने तो सोचा चलो ले लेते हैं, फिर पूजा के लिए फूल लिया यहाँ से, और फिर आ गई थी मैं सब्जी लेने के लिए। तो सुबह सुबह है ना ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती है, पर आज क्या हुआ था कि आज पूनम थी और मुझे पता नहीं था कि आज पूनम है, क्योंकि यहाँ पे है ना पूनम के दिन सब्जियों का मार्केट इतना खुला नहीं रहता है। तो बस यहाँ से मैंने सब्जियाँ ले ली थी। वैसे तो ये सारी जो दुकानें हैं ना लाइन में, वो सारी दुकानें खुली रहती हैं, पर आज पूनम की वजह से है ना बहुत सारी दुकानें बंद थी। तो जो भी मिला मैंने ले लिया,
तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ, फिर घर पर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैंने फूल लिया है पूजा के लिए, आम लेकर आई हूँ। ये बादाम आम है और एक केसर आम है, और ये 120 रुपये किलो है, और ये 100 रुपये के 1.5 किलो। दही लिया है मैंने, 5 लिए थे, 5 डिब्बी दही लिया था, पर है ना एक डिबिया ले गया। और सब्जी लेकर आई हूँ ये वाली, देखो आज सब्जी नहीं मिली क्योंकि आज पूनम है, तो यहाँ पे पूनम को छुट्टी होती है सब्जी मार्केट में। तो ये सारी सब्जियाँ है ना, पहले तो मैं अच्छे से वॉश कर लूँ, ये आम भी वॉश कर लूँ। फूल को अभी फ्रिज में रख देती हूँ, दही को फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 12 बजे हैं, मैं आई हूँ झांसी को स्कूल से लेने के लिए। तो जस्ट स्कूल के सामने ही एक पूजा हो रही थी, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये पूजा वट सावित्री की हो रही है, और हमारे यहाँ गुजरात में है ना वट सावित्री का व्रत पूनम के दिन होता है। और मैंने देखा है यूट्यूब पर कि अमास के दिन भी वट सावित्री का व्रत कई जगह पर होता है और गया है। तो बस ये पूजा हो रही थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर यहाँ से हम निकल गए थे घर जाने के लिए। तो देखिए, ये घर जाने के लिए मेन रास्ता है, और मेन रास्ता है ना सिंगल रास्ता है, तो बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। पर आज तो हद कंडी, आज तो है ना 15-20 मिनट तक यहाँ फंसे रहे। जहाँ अभी हम खड़े हैं ना, वहाँ से साइड में से एक और रास्ता निकलता है, तो हम वहाँ से चले गए होते तो जल्दी घर पहुँच जाते। पर मैंने सोचा कि नहीं जाना है, चलो यहाँ सामने जो बस आ रही है, 2 बस आ रही है, तो बस निकल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ये बस निकलने के बाद भी हमें थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना पड़ा। फिर मैंने देखा कि सारे बाइक वाले जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे मैं निकल गई। फिर आगे जाके मैंने देखा तो 2 बस आमने सामने थी, एक स्कूल बस थी और एक एसटी बस थी। तो फिर क्या है ना, 2 बस तो सिंगल रास्ते में तो एक साथ नहीं निकल सकते, तो ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। तो फिर हम तो जैसे तैसे करके निकल गए थे घर जाने के लिए, और मैं बहुत ही थक गई थी। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ के बारे में जो भी मैंने 3 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, तो मुझे बहुत लोगों ने कुछ समझाया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो थैंक यू सो मच आपका। और है ना मुझे भी अच्छा नहीं लगा है कि मैंने अपने घर की बात, आज तक मैंने अपने पड़ोस में भी अपनी घर की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं की है, और ये डायरेक्टली मैं ऐसे यूट्यूब पर आकर रख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा है। पर क्या है ना, कभी कभी इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो मजबूरी में कुछ ना कुछ उसको कुछ करना पड़ता है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और मैं थक चुकी थी ये सारी चीज़ों को फेस करते करते, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी वो सारी खुशियाँ चाहिए जो एक औरत को चाहिए होती हैं, है ना। एक लड़की के सपने होते हैं, एक माँ के सपने होते हैं, तो मुझे भी वो सारी खुशियाँ चाहिए जो मुझे नहीं मिली है, बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो बस मजबूर थी मैं ये रखने के लिए, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। पर आज के बाद है ना, मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी, और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बाय।